दोस्तों, आज हम सभी के लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी 3 से जुड़े धमाकेदार अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीते दिनों खबर निकल कर आ रही थी कि अक्षय कुमार ने हेरा फेरी 3 में काम करने से मना कर दिया था किन्हीं पर्सनल कारणों की वजह से। ऐसे में फैंस का कहना था कि बिना राजू के कैसे हेरा फेरी, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नडियाडवाला ने अनाउंसमेंट की है कि फिल्म में अक्षय कुमार नजर आएंगे अपने वही पुराने राजू के किरदार में। इस न्यूज को सुनने के बाद अब फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं इन तीनों स्टार्स को एक साथ देखने के लिए। साथ ही इस बार फिल्म में पहले से ज्यादा कॉमेडी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इस बार फिल्म में कई नए कलाकार भी आने वाले हैं। बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की, तो इस बार फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के अलावा अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे, और फीमेल लीड में ईशा गुप्ता और नेहा शर्मा भी अपने बोल्ड अदाओं का तड़का लगाती दिखेगी। साथ ही फिल्म को डायरेक्ट करेंगे प्रियदर्शन। बात करें फिल्म की रिलीज की, तो अगले साल फिल्म का शूट शुरू कर दिया जाएगा। 2024 तक ये फिल्म देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आप सभी एक बार फिल्म श्याम, राजू और बाबू भैया को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।